हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी के बारे में कि क्रिमिनोलॉजी आया कहाँ से, किसने इस टर्म को दिया और इसके नेचर क्या है, इसके स्कोप क्या है। ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी सॉल्व इन दिस सिंगल लेक्चर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन टू द वीडियो। तो क्रिमिनोलॉजी समझने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि क्राइम क्या है। आखिर देखेंगे कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में क्राइम किन एक्ट्स को कहा जाता था। जो भी एक्ट स्टेट के अगेंस्ट या मोनार्क के अगेंस्ट या फिर गॉड के अगेंस्ट किया जाते थे उन्हें क्राइम माना जाता था। उस अकॉर्डिंग अगर मैं ब्लास्फेमी करूं यानी कि ईश्वर की निंदा करूं या फिर ट्रेजन यानी देशद्रोह करूं तो उसे क्राइम माना जाएगा। लेकिन अगर वहीं किसी पर्सन ने एक दूसरे पर्सन का मर्डर कर दिया है तो उसे क्राइम नहीं कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं मॉडर्न टाइम्स की बात करूँ तो हम क्राइम किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी एक्ट जो हमारे लीगल कोड्स में मेंशन्ड है कि ये एक्ट क्राइम कहलाए जाएंगे उन्हें क्राइम कहा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं दो और टर्म्स की, माला इनसे एंड माला प्रोहिबिटा। दोनों ही लेटिन टर्म्स हैं। माला इनसे का मतलब होता है एविल इन इटसेल्फ, यानी कि ऐसे एक्ट जो कि इनहेरेंटली एंड एसेंशियली एविल होते हैं या बुरे होते हैं। और माला प्रोहिबिटा कौन से होंगे, क्योंकि वो क्राइम इसलिए कहलाए जा रहे हैं क्योंकि लीगल कोड में मेंशन्ड है कि भाई ये चीज़ क्राइम है, इसीलिए उन एक्ट्स को रॉन्ग कहा गया है। माला प्रोहिबिटा ये टर्म इनके लिए यूज़ करी गई है। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आएगा माला इनसे और माला प्रोहिबिटा का। तो अब टर्म क्रिमिनोलॉजी को समझ लेते हैं। क्रिमिनोलॉजी जो टर्म है वो एक लॉ प्रोफेसर थे राफेल गैरोफेलो ने 1885 में उन्होंने ये टर्म को दिया। उसके ही दो साल बाद एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट टाइप पॉल टॉपिनोट उन्होंने क्रिमिनोलॉजी टर्म का ही फ्रेंच वर्ड निकाला। ठीक है, प्रोनाउंस करने में सेम है बट स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो क्रिमिनोलॉजी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, क्राइमिन एंड लोजिया। सो जो क्राइमिन का मतलब होता है एक्यूजेशन और लोजिया जो एक ग्रीक वर्ड है उसका मतलब होता है स्टडी करना। यानी अगर मैं इसको एक सिंपल डेफिनेशन में समझूं तो इसका मतलब होता है कि जब हम क्राइम की स्टडी करते हैं और क्या रीज़न है कि एक पर्सन क्रिमिनल बिहेवियर को शो करता है, उसका नेचर क्या है, क्या कॉजेज हैं और कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये सभी मिलाकर हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। काफ़ी अलग अलग स्कॉलर्स आए, उन्होंने क्रिमिनोलॉजी की बहुत अलग अलग डेफिनेशंस दी। क्या तो उनमें से एक अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं एडविन सदरलैंड। इन्होंने 1934 में क्रिमिनोलॉजी को डिफाइन किया। जो क्रिमिनोलॉजी है वो एक सोशल फिनोमिना समझता है क्राइम को, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ब्रेकिंग लॉज एंड रिएक्टिंग टुवर्ड्स द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। यानी कि मेकिंग ऑफ लॉ का जो प्रोसेस है और ब्रेकिंग, अगर कोई लॉ तोड़ता है उसको भी इसमें कंसिडर किया जाएगा, और जो लॉ तोड़ते हैं उनके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करना है उसे भी हम क्रिमिनोलॉजी के अंदर ही पढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रिमिनोलॉजी की डेफिनेशन। अब समझेंगे कि फिर क्रिमिनोलॉजिस्ट कौन होते हैं। क्रिमिनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो लोग क्राइम, क्रिमिनल्स और क्रिमिनल बिहेवियर की स्टडी करते हैं उन्हें क्रिमिनोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसके साथ साथ एक और टर्म जो है वो जानने की जरूरत है, एक टर्म है डेवियंट बिहेवियर। ऐसा कोई भी बिहेवियर जो सोशल नॉर्म्स को वायलेट करता है, जरूरी नहीं है कि वो लॉ में उसे क्राइम कंसिडर किया गया है, लेकिन अगर वो सोशल नॉर्म्स के को वायलेट करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोस्टिट्यूशन को अगर लूँ तो प्रोस्टिट्यूशन जो है कि डेवियंट बिहेवियर में मैं काउंट कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो प्रोस्टिट्यूशन को क्राइम नहीं मानती हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो प्रोस्टिट्यूशन को क्राइम मानती हैं। तो अगर मैं प्रोस्टिट्यूशन को, क्योंकि वो सोशल नॉर्म्स के अलग है, मतलब सोशल नॉर्म्स को वायलेट कर रही है, इसीलिए इसे वो मैं डेवियंट बिहेवियर के अंडर कंसिडर करूँगी। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सारे डेवियंट बिहेवियर इलीगल बिहेवियर होते हैं? नहीं, सभी इलीगल बिहेवियर डेवियंट होते हैं, लेकिन सभी डेवियंट बिहेवियर इलीगल नहीं होते हैं। ऐसे कुछ ही डेवियंट बिहेवियर होते हैं जो इलीगल की कैटेगरी में भी आते हैं। यहाँ तक आपको आई गेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी को जानते हैं। सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट नेचर है क्रिमिनोलॉजी का वो ये है कि क्राइम के नेचर को एक्सप्लोर करता है। किस हद तक क्राइम एक सोसाइटी के अंदर है उसको एक्सप्लोर करता है कि क्यों कुछ ही लोग क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं और कुछ इन्वॉल्व नहीं होते हैं, कैसे क्राइम को कमिट किया जाता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं एक क्राइम के या क्या इम्पैक्ट
पड़ा है एक क्राइम का किसी भी पर्सन पे, इंडिविजुअल पे, सोसाइटी पर, वो हम देख सकते हैं. और कितनी फ्रिक्वेंटली किसी एक जगह पर क्राइम कमिट हो रहा है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पर क्रिमिनोलॉजी जो है एक्सप्लोर कर रहा है क्राइम को अलग अलग पर्सपेक्टिव में. सेकेंड जो हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, वो है कि क्रिमिनोलॉजी एक साइंटिफिक स्टडी है जहाँ पर हम देखते हैं कि क्राइम के हर एक एस्पेक्ट को चेक करता है. ठीक है, तो इसमें जो हम मेथडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं क्रिमिनोलॉजी में, जो भी थ्योरीज हैं, ठीक है, या क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसका जो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और साइंटिफिक अप्रोच होता है. यानी कि कल को कोई पर्सन जो है उस चीज़ पर ये नहीं कह सकता कि ये जो मेथड यूज़ किया गया है वो इलॉजिकल है, या फिर ये कोई मतलब साइंटिफिक इसमें यूज़ नहीं किया गया है मेथड, तो ऐसा नहीं है. क्रिमिनोलॉजी साइंटिफिक वे है क्राइम को स्टडी करने के लिए. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी में, तो वो है कि क्रिमिनोलॉजी का एक अच्छा खासा थ्योरेटिकल बेस, इसमें जो काफ़ी सारी थ्योरीज हैं वो अलग अलग एस्पेक्ट से क्राइम को जोड़ने की कोशिश करती है. कुछ कल्चरल बैकग्राउंड से जोड़ने की कोशिश करती है, कुछ सोसाइटी से जोड़ने की कोशिश करती है, कुछ फेमिनिस्ट एस्पेक्ट से जोड़ने की कोशिश करती है, कुछ बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से जोड़ने की कोशिश करती है. तो क्रिमिनोलॉजी के पास एक सफिशियंट जो है थ्योरेटिकल बेस है. नेक्स्ट बात करते हैं इसके नेचर की, तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम क्रिमिनोलॉजी में क्रिमिनोलॉजी की ही बातें करते हैं, इसमें बहुत सारे और भी सब्जेक्ट्स के हम इनसाइट्स लेते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, बायोलॉजी हो गया, फॉरेंसिक साइंस हो गया, विक्टिमोलॉजी, पिनोलॉजी एक्सेट्रा. ये सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिलकर कंबाइन होकर क्रिमिनोलॉजी को बनाती हैं. इवन क्रिमिनोलॉजी भी इनमें इंसाइट देता है, कुछ अपने कुछ वैल्यूबल थॉट्स देता है, कुछ व्यूज शेयर करता है, और ये सब्जेक्ट्स भी अपने कुछ कुछ जो है कॉन्ट्रीब्यूशन क्रिमिनोलॉजी में देते हैं. सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. नेक्स्ट इज इसका जो अप्रोच है वो डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स का है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्रिमिनल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रीज़न रहा है क्रिमिनल बिहेवियर को शो करने का, तो इसका परसेप्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज होता है. कि हम देखते हैं, हम सिंपली अगर किसी पर्सन के हाथ में चाकू है, हम सिंपली उसको देखकर ये नहीं कह सकते कि भाई मर्डर इसने किया है. हम उसके डिफरेंट एस्पेक्ट देखेंगे कि क्या रीज़न रहा होगा कि इस पर्सन ने क्राइम कमिट किया है. तो हमारा जो एक जो मतलब क्रिमिनोलॉजी है वो एक डिफरेंट परसेप्शन देखता है कि क्राइम, ये एक्ट क्राइम है या नहीं है. तो उस वे में भी एक डायनेमिक अप्रोच लेकर आता है. क्रिमिनोलॉजी एक रिफॉर्मिंग रोल भी प्ले करता है क्रिमिनल लॉ और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. जो भी फाइंडिंग्स होती हैं थ्योरीज के बेसिस पर, या फिर कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं, कोई भी रिसर्च हम करते हैं, तो उसके बेसिस पर जो फाइंडिंग्स निकलती हैं उसी का यूज़ करते हैं लॉयर्स, जजेस, प्रोबेशन ऑफिसर, प्रिजन ऑफिसर्स, और उनको यूज़ करके वे क्राइम और क्रिमिनल्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं, और देखते हैं कि कैसे अपने फील्ड में इसको अप्लाई किया जा सके, ताकि एक बेटर रिफॉर्मेटरी सेंटेंसेस जो वो क्रिमिनल हैं उनका एक अच्छे से ट्रीटमेंट किया जा सके. यहाँ तक हमने बात करी नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी. अब हम बढ़ते हैं आगे स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की. देखो, जब हम स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं, दो तरीके के स्कोप के बारे में हम बात करते हैं. इसमें है फंक्शनल स्कोप और दूसरा होता है थ्योरेटिकल स्कोप. फंक्शनल स्कोप यानी कि क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा है. सबसे पहले हम बात करते हैं इसका लेजिस्लेटिव पार्ट में, इसका क्या स्कोप है. लेजिस्लेटिव पार्ट यानी कि जहाँ पर लॉ फॉर्मेशन की बात होती है, वहाँ पर इसका क्या रोल है क्रिमिनोलॉजी का. तो देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जो एग्जिस्टिंग क्रिमिनल लॉज हैं उनका कितना इफेक्टिवनेस है, क्या इम्प्लीमेंटेशन, हम उसके बारे में पढ़ते हैं. एंड सेकेंड थिंग, और क्या हम देख सकते हैं कि क्या जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो इतने इफेक्टिव हैं या नहीं, हमने वो एक बार पढ़ लिया. अब नीड है क्या न्यू लॉज लाने की, वो हम देखते हैं क्रिमिनोलॉजी के स्टडी के साथ साथ. और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं क्या उसमें किसी तरीके का अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है. तो ये जो पार्ट है वो लेजिस्लेटिव पार्ट के अंदर आता है, और क्रिमिनोलॉजी अपना इस तरीके से इसमें रोल प्ले करता है. लॉ एनफोर्समेंट पार्ट में स्कोप अगर मैं देखूँ, तो देखो, जब लॉ एनफोर्समेंट कौन करता है, मेनली हमारे जो है पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो. तो पब्लिक का ओपिनियन क्या है पुलिस को लेकर, कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में बात करते हैं, क्या कोई स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है एक इफेक्टिव पुलिस सिस्टम को. इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो अपना एप्लीकेशन है क्राइम, क्रिमिनल डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन में हम क्रिमिनोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. क्रिमिनल्स और नॉन क्रिमिनल्स के बीच में क्या कंपेरिजन है वो कर सकते हैं, ठीक है, कुछ कॉमन फैक्टर्स को अकाउंट में रख के. इसके अलावा ये डिफरेंट ट्रेंड्स और पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है क्राइम में, ठीक है, उसके बेसिस पर वो थ्योरीज बनाता है
इसके अलावा अगर कोई न्यू फॉर्म्स ऑफ क्राइम इमर्ज हो रहा है, जैसे कि साइबर क्राइम्स आजकल बहुत ज़्यादा अलग अलग मोडस ऑपरेंडा अलग अलग होता है कि क्राइम को कैसे कमिट किया जाए, तो अगर हम कुछ पैटर्न देख रहे हैं तो उनको क्या है समझने के लिए हम क्रिमिनोलॉजी की थ्योरीज का यूज़ कर सकते हैं, और क्रिमिनोलॉजी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्राइम को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जा सके। तो इस वे में क्रिमिनोलॉजी अपना पार्ट प्ले करता है। लेजिस्लेटिव पार्ट पढ़ा हमने, लॉ एनफोर्समेंट पार्ट पढ़ा, अब हम बात करते हैं जुडिशरी और प्रिजन में इसका क्या रोल है। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑफेंडर्स हैं जो प्रिजन में हैं, तो उनके लिए, उनके बेटरमेंट के लिए कि वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट हो जाए, तो किस तरीके की उनको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेशन का कॉन्सेप्ट, पैरोल का कॉन्सेप्ट, ओपन प्रिजन सिस्टम का कॉन्सेप्ट, और साथ ही साथ उनके वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए एजुकेशनल सपोर्ट, मेडिटेशन, आफ्टर केयर सर्विसेज, ये सभी जो है हम लोग क्रिमिनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं कि क्या और प्रोविजंस हैं जो हम ऑफेंडर्स को दे सकते हैं जिससे वो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा जो है जुवेनाइल जस्टिस इश्यूज है उस पर भी फोकस करता है क्रिमिनोलॉजी, कि कैसे जुवेनाइल्स को ट्रीट किया जाए, है ना, ह्यूमन राइट्स जो वायलेट हो रही हैं उनको कैसे हम ऑब्जर्व करें, वुमेन प्रिजनर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके रिहेबिलिटेशन के बारे में बात करते हैं, उनके रिफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारा जो रोल है वो क्रिमिनोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ये भी स्कोप है, वन ऑफ द स्कोप है क्रिमिनोलॉजी का। अब तक हम पढ़े थे फंक्शनल स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी, तो अब हम बात करते हैं थियोरेटिकल स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की। थियोरेटिकल स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी, क्रिमिनल सोशियोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी, इस तरीके के बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं। क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी में हम ऑफेंडर की पर्सनैलिटी को फिजिकल टर्म्स में समझते हैं, जैसे कि लॉम्ब्रोसो, शेल्डन, क्रैशमर, इन लोगों ने क्या किया था, पर्सन के बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए ये बताया था कि वेदर द पर्सन इज ए क्रिमिनल और नॉट। ठीक है, तो हम ये क्रिमिनल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्रिमिनल सोशियोलॉजी के अंदर हम देखते हैं जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो एक पर्सन कैसे अडॉप्ट करता है, या तो सोसाइटी में ही ऐसे कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो उसको इंस्टिगेट करते हैं, उकसाते हैं कि क्राइम कमिट करो, या फिर सोसाइटी के अंदर ही ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो इंटरेक्ट करके क्रिमिनल बिहेवियर को सीखता है, जैसा कि हमने रॉबर्ट मर्टन, इमाइल डरकाइम, एडविन सदरलैंड, इन लोगों की थ्योरीज में पढ़ा। फिर हम बात करते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी की, जो कि बताता है कि पर्सनल ट्रेट्स और साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स के बेसिस पर कोई एक पर्सन का जो क्रिमिनल बिहेवियर है उसको हम डिटरमाइन करते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी के अंदर। देखो फॉरेंसिक साइंस क्या है, जब हम साइंस का एप्लीकेशन लॉ पे करते हैं तो इसमें क्या है कि हम अलग अलग तरीके के एविडेंसेस जो होते हैं जो हमको कोर्ट में प्रेजेंट करने होते हैं, तो उसका साइंटिफिक वे है उसको कलेक्शन करने का। अगर उसको साइंटिफिकली कलेक्ट नहीं किया, प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया, तो उसका कोई यूज़ नहीं हो। फिर बात करते हैं हम पीनोलॉजी की। देखो पीनोलॉजी जो है इट इज़ रिलेटेड टू पनिशमेंट एंड पीनल पॉलिसीज फॉर द रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स के ही रिफॉर्मेशन और रिहेबिलिटेशन के लिए हम उसे किस तरीके का पनिशमेंट दें, क्या क्या पीनल पॉलिसीज बनाएं, ये सब हम लोग पीनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं लॉ की, तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहता है यहाँ पर क्रिमिनल लॉज के ऊपर रहता है कि किस किस तरीके की पॉलिसीज बनानी चाहिए, कितना स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होना चाहिए, क्या क्या अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है प्रेजेंट लॉ में, वो सब हम लोग पढ़ते हैं इसके अंदर। एंड देन विक्टिमोलॉजी की अगर हम बात करें तो विक्टिमोलॉजी को हम कह सकते हैं कि ये साइंटिफिक स्टडी है विक्टिमाइजेशन का। विक्टिम्स की स्टडी करते हैं कि क्या विक्टिम और क्रिमिनल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप रहा। ठीक है, अगर मैं बहुत शॉर्ट शब्द में आपको समझाऊं तो ये है कि अगर क्रिमिनोलॉजी को हम विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि विक्टिम के लिए क्या किया जा रहा है, विक्टिम के लिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने क्या किया है, कंपनसेशन की बात करते हैं या फिर रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं, या विक्टिम के जो पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर की बात करते हैं, उसकी काउंसलिंग की बात करते हैं, तो विक्टिमोलॉजी के अंदर हम वो सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि विक्टिम को किस तरीके से हमने रिलेट किया है अपने क्रिमिनोलॉजी के अंदर, उन सब की स्टडी को हम विक्टिमोलॉजी कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर करंट अपडेट्स, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।